हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह का समय हो रहा था और रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह सुबह उठ गई और चिड़िया की गूंज सुनना कितना अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले अब जो चल रही है नवरात्रि, नवरात्रि में 9 दिन की पूजा, बहुत लंबी पूजा चलती है और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन सवेरे उठ के माता रानी की थोड़ी बहुत सेवा तो होना ही है। जैसे दूध का भोग लगा देती हूँ और उसके बाद नहा धो के आके उनकी थोड़ा अखंड दीपक ठीक करना, भोग लगाना, पुराना फूल हटाना, तो ये सारी चीज़ें रहती है। डिटेल्स में इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, रोज़ का पूजा कैसे कर रही हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही करती हूँ, बहुत ही सिंपल वे से इस तरह से पूजा कर लेती हूँ और साथ साथ में मंदिर की भी पूजा हो जाती है। रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम आरती भी कर लेती हूँ। चैत्र नवरात्रि के नवमी के दिन मनाया जाता है रामनवमी। रामनवमी के पूजा के लिए मैंने यहाँ पे बनानी है वीडियो, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दिया है। मेरे पास 22 जनवरी के दिन जब राम भगवान का स्थापना हुआ था, तो फिर उसी दिन मैंने भी अपने घर पे अपना राम दरबार का स्थापना किया था। उन्हीं का पूजन करके मैं दिखा रही हूँ रामनवमी के दिन पूजा कैसे किया जाता है। आप इस वीडियो को व्रत विधि उपाय में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। और पता है इस दिन ना राम जी की बर्थडे है, तो मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि कोई भगवान का बर्थडे हम मना रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी बर्थडे मनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू वगैरह लाइए, मस्त एकदम पूजा कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने रामनवमी की पूजा विधि भी शूट कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से शूट किया है, बहुत अच्छा लग रहा था और सच मानो तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। इसके बाद हम लोग गए बाजार और बाजार में से लेना था हमें कन्या पूजन के लिए कुछ सामान, तो देखते हैं क्या मिल जाता है। और सबसे पहले तो हम लोग चुनरी की दुकान में गए थे और वहाँ से चुनरी पसंद किया, थोड़ा सा चुनरी वगैरह ले लिया। और घर पे जाके मैं अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शॉपिंग वगैरह शेयर करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ सामान तो ले ही लेना था, लेकिन हाँ जितना लेना था उतना तो हमने ले लिया था। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे देखो मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया लाल लाल चुनरी आई है। और यहाँ पे ना झंडे वाले की मेला लगा हुआ है और इसमें ना छोटे मोटे चीज़ें काफ़ी आ जाती है, पर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि बच्चे ना आजकल ये सारी चीज़ें ना, ये चूड़ी लिपस्टिक और इन चीज़ों का यूज़ उनके लिए थोड़ा कम हो गया है देखा जाए तो, और सबके हाथ के नाप भी अलग अलग है, तो इसीलिए मैंने ये सारे चीज़ें नहीं ली। कोई ऐसे चीज़ें लूँगी सोच रही हूँ जो कि उनको बाद में यूज़ हो जाए। बाद में हमने दुपट्टा ले लिया, यहाँ पे लाल पीला दो दुपट्टा मुझे चाहिए था तो दुपट्टा ले लिया था। और इसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी। और सच पूछो तो इतना ज़्यादा धूप हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बस उनको स्कूल से लेके आऊँगी, खाना पीना करते हैं और फिर आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो हम लोग आ गए बाजार से, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया, बहुत ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं है, बहुत थक गई हूँ और दोपहर हो रहा है, अभी 3 बज रहा है लगभग। और चलो आपको बता देती हूँ और साथ साथ में ये भी बता दूंगी ना कि किस तरह से पूजन वगैरह, रामनवमी की पूजन विधि ना मैंने करके व्रत विधि उपाय में अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप अगर पूजा करना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत प्यारी सी वीडियो है, अब देख सकते हैं। तो चलिए अभी शॉपिंग देख लेती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो 1 लीटर तेल लेके आई हूँ क्योंकि 2 लीटर तेल मैंने लाई हूँ, अभी 1 लीटर पूरा खत्म हो चुका है, 1 लीटर से थोड़ा कम खत्म हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा मेरे पास हमेशा रहता है, तो तेल 1 लेके आई हूँ मैं इधर, ठीक है। एक ये चीज हो गई, दूसरी हो गई मैं दुपट्टा लेके आई हूँ, ये दोनों पूजा के लिए नहीं है, ये मेरे लिए ही है। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, तो इसके साथ मैं ना एक ये सेम कलर का दुपट्टा लेके आई हूँ, ऐसा पीला कलर मेरे पास नहीं था तो ये लेके आई हूँ। और एक ये लेके आई हूँ रेड और व्हाइट का, बहुत क्यूट सा कलर है इसका, देखो बहुत प्यारा कलर है इसका।
तो ये मैं एक लेके आई हूँ। मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन हमारा न्यू ईयर है, नव वर्ष है, बंगला न्यू ईयर है, और उस दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वाला कलर पहनूंगी। हाँ, तो मुझे ये काफी अच्छा लगता है, तो ये एक दुपट्टा लेके आई हूँ। इसके बाद देखिए, मैंने ना कुछ टिफिन, छोटे से जो डब्बों का सेट होता है ना, वो सेट लेके आई हूँ। ठीक है, इस तरह का सेट आता है, इसमें पूरा 12 डब्बे है, तो कुछ सेट ये लेके आई हूँ। तो ये भी देना है, क्योंकि जो कंजक आते हैं उनको भी देना रहता है थोड़ा बहुत कुछ, और साथ साथ में कन्या पूजन होते हैं तो उनको भी देना रहता है, तो वो भी आते हैं। ठीक है, और कन्या पूजन के लिए जो कन्याएं आएंगे उनके लिए मुझे इस तरह का स्टील का प्लेट लेके आई हूँ। इसमें तो टोटल 1 दर्जन प्लेट, पूरा प्लेट है, तो कुछ इस तरह का प्लेट्स है। ठीक है, तो ये प्लेट्स लेके आई हूँ। अच्छा डिजाइन, इसमें छोटा भीम भी एक स्टिकर लगा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी फूल का डिजाइन किया हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा था। वैसे मार्केट में ना बहुत सारे चूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर ये सारी चीजें ऐसी होती है जो काम आ जाता है, घर पे भी काम आ जाता है, बाद में भी काम आ जाता है। बाकी वो चूड़ी फीता ये सब तो कोई पहनते है, कोई नहीं पहनते है, तो इतना ज्यादा काम नहीं आता है, तो वो सारी चीजें हो गई। इसके बाद ये मैम क्या क्या लेके आई हूँ, ये तो बच्चों का पेन है, ये तो जब भी मार्केट जाओ इतने पेन लेके आना होता है, आना ही होता है, कहाँ जाता है पेन भगवान जाने। और मैं 2 आसन लेके आई हूँ, माता लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो पिंक आसन में बैठा के पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा। देखो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चीज ना ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए, बस अपने अपने भावना होता है। तो मुझे लगा कि एक ले लेती हूँ, सिर्फ 25 रुपए का ये आसन है, पता है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। एक आसन ये 25 रुपए का मिला, ये लिया, और एक ये वाला सेम प्राइस, ये मैंने जब भी एकादशी की पूजा करती हूँ ना उसके ले लिया, पीला आसन चाहिए होता है उसके लिए, तो ये दोनों ले लिया। ऐसा चुनरी मैंने ले लिया 9। ठीक है, ये मैंने टोटल ऐसे प्रिंट वाले हैं, ऐसे वाले हैं, और ऐसे चुनरी मैंने 9 चुनरी ले लिया, क्योंकि 9 कन्याएं को पूजा जाता है ना, तो 9 चुनरी उनके लिए मैंने ले लिया। और एक चुनरी मैंने एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, माता रानी को उस दिन लास्ट दिन चढ़ाऊंगी, एक दिन पहले दिन एक चुनरी चढ़ाया है और एक लास्ट दिन चढ़ाऊंगी, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, उसके लिए एक चुनरी लेके आई हूँ। तो बस इतना ये सामान मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा देखो, मैं आपको बता देती हूँ, आप ना कोई केला या आम लेके आना, कम से कम एक फल दिया जाता है। ठीक है, एक चुनरी हो गया, एक बर्तन हो गया, एक टिफिन बॉक्स हो गया, इसके अलावा एक फल होता है, तो एक फल देना होता है। एक डजन केला लेके आ जाइएगा, हो जाएगा, या एक डजन आम लेके आ जाइएगा, उससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हलवा बनती है, पूरी बनता है, काला चने की सब्जी बनते है, ये 3 चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें बनाना ही है, पूरी, हलवा और काला चना। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बनाना है, जैसे खिलाना है, जो बनाना है वो बना के दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देना होता है गिफ्ट में, जैसे कन्या आते हैं तो आप एक जगह बना लो, जहां पे भी आपको सुविधा है उस हिसाब से वहां पे उनकी पैर धुलाया जाता है। तो सबसे पहले हाथ पैर अच्छे से धुला लेना, फिर अच्छी सी जगह बना के उनको बैठाना, फिर उनकी टीका करना। टीका में भी पीठा वगैरह लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा चावल लगाया जाता है, मतलब जैसे हम लोग करते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसे वगैरह करके कन्या को पूजन हो जाता है, फिर उनको खाना खिलाया जाता है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट डब्बे में भर के दे देते हो तो कोई बात नहीं, एक लड्डू कम से कम हाथ में रख, एक बतासा, एक लड्डू, कुछ चीजें ऐसे होना चाहिए। आपके घर से कन्या बिल्कुल खाली मुंह नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ एक चीजें झूठा करके फिर जाना चाहिए, भले एक टुकड़ा पूरी खा ले या लड्डू खा ले या चॉकलेट बांट दो, कुछ भी करो, लेकिन एक मतलब एकदम खाली मुंह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डब्बे में भर दे रहे हो, खाने की व्यवस्था अलग से नहीं कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके कि मैं भी ऐसे ही करूं, तो क्योंकि क्या वो खा नहीं पाते हैं और ले भी नहीं जा पाते हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है, फिर वो खाना फेंकना अच्छा नहीं लगता ना, इससे पहले डब्बे में भर के दे दो, घर पे जाके खा लेते हैं। तो उसमें क्या करना है, हाथ में एक चॉकलेट या एक लड्डू रख दो तो बच्चे वो खा लेते, तो आपके घर से करना है खाली मुके नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसे करना है। कहीं कहीं पे आलता लगाते हैं, पैरों में नेल पॉलिश लगाते हैं, आलता लगाते हैं, आलता महावर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हो। तो और फिर चुनरी उड़ाया जाता है, जो चुनरी आपने लिया ना, ये चुनरी ऐसे हाथ में भी दे सकते हो, उड़ा भी सकते हो, छोटी छोटी कन्या होता है तो उड़ा देते हैं। इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। तो और रामनवमी वाला, रामनवमी का जो पूजा होती है राम जी की, वो पूजा शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को, मतलब जब भी आपको टाइम मिला आप कर सकते हो। भगवान श्री राम का बर्थडे है, बहुत बड़ा दिन है, और इसी दिन जो है ना पूजा कैसे करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अलग से मैंने अपनी पूजा वाले चैनल में, यानी कि व्रत विधि उपाय में रखा हुआ है, तो आप उस चैनल में जाके जरूर देख लेना, आप लोगों को अच्छा लगेगा वो वीडियो देखने में।
और किस तरह से कर सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल वे में दिखाया है ताकि आप सब लोग उसको मतलब इस तरह से पूजा कर सकते हो। तो यही है मेरा थोड़ा मोटा शॉपिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा भाजी सब्जी इतनी सामान हो गया था ना, मटर वगैरह भी लेके आई हूँ बहुत सारा, क्योंकि उसको छील के रख देंगे तो भात बनाते हैं ना उसमें थोड़ी सी गाजर मटर वगैरह दे दो तो बड़ा अच्छा सा एकदम फ्राइड राइस जैसा बन जाता है, तो टेस्टी लगते है खाने में, तो उसके लिए थोड़ी सी लेके आई हूँ। बाकी सब्जी वगैरह बहुत सारे है, केला वगैरह भी लेके आई हूँ, लेकिन केला फिर से लेना है क्योंकि आज से नहीं रहेगा ना, अभी 3-4 दिन टाइम है, तो वो सारे भी चीजें लेके आई हूँ। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, ठीक है, और मिलूंगी नेक्स्ट एक वीडियो में। और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप और हम जुड़े रहे, और अच्छा लगता है जुड़े रहने से और क्या। चलो बाय, टेक केयर। Thank you.